हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की जो आंसर की है उसके आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी आंसर की को मैच कराया। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि क्या जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें और जो फाइनल आंसर की है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये जो फाइनल आंसर की है इसमें आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रोविजनल और फाइनल आंसर की क्या है। प्रोविजनल आंसर की एक टेम्पररी आंसर की है जिसमें कि आप जो अपने आंसर हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, मान लीजिए आपने कहा कि हमारा बी ऑप्शन सही है, एनटीए ने कहा आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आपने एनटीए को चैलेंज कर दिया, उसके लिए आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे। आप जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने केवीए सर की बुक पढ़ी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको कन्वर्ट करिए डॉक्यूमेंट में, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप डायरेक्टली भेज सकते हैं मेल में, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग क्लेम करेंगे, अगर उनका क्लेम सही होता है तो वो क्वेश्चन सबके लिए ही चेंज हो जाएगा, सबके लिए ही वो आंसर जो है वो सही माना जाएगा जो उस बच्चे का सही होगा। तो ऐसे केस में किसको सही आंसर मिलेंगे, जो मान लीजिए अगर बी ऑप्शन पर मैंने क्लेम किया कि मेरा बी ऑप्शन सही है और उसको जस्टिफाई भी किया गया, उसको माना गया कि हाँ और बी ऑप्शन सही है, तो जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन को टिक किया होगा तो उसको वहाँ पे जो है मार्क्स मिल जाएंगे, 2+2 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, जो ड्रॉप क्वेश्चन है उसके मार्क्स भी आपको मिलने हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आपने क्लेम कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, अब एनटीए की बारी है। मान लीजिए एनटीए को लगता है किसी क्वेश्चन को देखने के बाद में कि नहीं, यहाँ पर हमने किसी क्वेश्चन को या किसी ऑप्शन को हमने गलत दिया है, तो एनटीए उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता है। अब वो मार्क्स किसको मिलते हैं, वो मार्क्स उसको मिलते हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक किया। अगर आपने वो क्वेश्चन ही ब्लैंक छोड़ के आ गए तब आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हाँ, कुछ मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है फाइनल आंसर की में, कुछ मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि अगर क्लेम किए गए होंगे तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, बट कितने बढ़ेंगे ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कितने लोग अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि 200 पर क्वेश्चन पे है, बाकी 6% क्राइटेरिया है और हर सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, तो हर सब्जेक्ट में से 6% बच्चों का नेट JRF सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसलिए मेरिट तय होगी। तो अगर आपका जो पेपर है आपने देखा है, अपना मैच कराया है, आपको लगता है कि नहीं अगर हम क्लेम कर देते हैं हमारा ऑप्शन सही है, तो आप ज़रूर क्लेम करिए, क्योंकि वहाँ पे आप नेट JRF के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।